देखिए 2020 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर जब संकट आया था तो हमारी कांग्रेस के की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने ये निर्देश दिए थे कि हर संभव कांग्रेस की सरकार को बचाना है और कांग्रेस के प्रति जो लोग निष्ठावान है उनको सबको एकत्रित करने के लिए काम करो। उसी दृष्टि से हम 34 दिन तक लगातार होटलों में रहे, आपस में संपर्क करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे, सलाह मशवरा होता रहा और 34 दिन के बाद जब जो गद्दारी करने वाले लोग थे, जो मानेसर में इकट्ठे हो गए थे और जो सरकार गिराना चाहते थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि गहलोत की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब माहौल बना और विधानसभा का सत्र बुलाने लगा, की तारीख आने लगी, तब उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर करके, बिना शर्त सरेंडर करके, और फिर कांग्रेस का साथ सदन में जरूर दिया। लेकिन उन लोगों को जो मानेसर में इकट्ठे हुए और 34 दिन तक सरकार गिराने का षड्यंत्र करते रहे, सरकार के खिलाफ बाकायदा बराबर स्टेटमेंट देते रहे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, बावजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए, आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पर मेरा चार्ज है कि वो पक्षपात पूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। तो हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं, सोनिया गांधी की हर हुक्म को हमने 50 साल तक माना है। मेरी 50 साल की राजनीति हो गई, इन 50 सालों में एक बार भी अनुशासनहीनता का चार्ज मेरे पे नहीं लगा। मैं कई पदों पे रहा, चाहे जिला प्रमुख रहा, लोकसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, 15-20 साल तक जो है लगातार जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, लेकिन कभी कोई चार्ज मेरे पे नहीं लगा। लेकिन आज जब ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज खुद ही कन्विंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़क रही थी और लोग विधायकों को नाराज होना ही था। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए, उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी, वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ, जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे ये यहां का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दैट्स ऑल। वो देते रहे, उसकी चिंता नहीं। जिन लोगों ने, जिसमें आपका भी नाम आ रहा है, कि जिन लोगों ने विधायक दल की बैठक से पहले अपने घर पर बैठक की, वो अनुशासनहीनता है और उन पर कार्रवाई हो, नोटिस जारी होगा, पार्टी से बाहर भी उनके विचार से होगा, जो कुछ भी है। विधायकों की बैठक कोई ऑर्गेनाइज
सुनो उसके बाद बैठक में चलेंगे। वो कह रहे अलग अलग हम नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, अलग अलग राय सुनना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग राय कभी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव पास करने के लिए आए हम। हाइपोथेटिकल सवाल मत पूछिए, आने दीजिए, कुछ जो कुछ होगा तो दिख जाएगा आगे। सिपाही रहा हूँ और रहूंगा। ऐसी नौबत क्यों आ रही थी? क्योंकि ये सचिन पायलट के ये तर्क देता है कि जब वापसी हुई थी उनकी मानेसर और तमाम बाड़ेबंदी के बाद, तो उनके कैंप के मंत्रियों को, नेताओं को मंत्री बनाया गया था। वही तर्क देते हैं, वो हुक्म भी हाईकमान का था जिसको कि मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया था। हाईकमान का सोच ये था कि ठीक है गलती हुई है इनसे, लेकिन इनको एडजस्ट करो। मुख्यमंत्री जी ने एडजस्ट किया उनको। तो रमेश मीणा भी आए हुए थे सर, तो रमेश मीणा भी उन कतारों में से एक आए हुए थे जो आप गिरफ्तार कर रहे हैं। कौन? रमेश मीणा। रमेश मीणा भी आए हुए थे कल, उन्होंने दस्तखत किया, इस्तीफा दिया उन्होंने। इस्तीफा दिया था? हाँ हाँ, वो गए थे वो, लेकिन अब वो विचार बदल गया उनका। क्या बात, क्या बात, विचार बदलते रहते हैं। विचार तो उनका भी बदला है ना। पहले तो वो कांग्रेस की सरकार गिराना चाहते थे, बाद में कांग्रेस सरकार के फेवर में आ गए विधानसभा में। सौ % वही था षड्यंत्र था टोटल, और उस षड्यंत्र में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शामिल थे। मैं दूसरों के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पे चार्ज लगा रहा हूँ। खड़के साहब पे कोई चार्ज नहीं है। खड़के साहब तो खड़के साहब पे कोई चार्ज नहीं है। खड़के साहब का कोई मुकाबला नहीं, वो तो बिल्कुल ईमानदार और निष्पक्ष आदमी है। खड़के साहब से क्यों नहीं मिले? मिले हम, मिले, जाके मिले हम, दो बार मिले। सारे विधायक मिलना नहीं चाहिए, मिलने का सवाल ही क्या था? वो तो उठ के चले गए थे वहां से। वहाँ पहुंचे कितने से थे? 20 आदमी भी पहुंचे पूरे। धारीवाल साहब आज मुख्यमंत्री जब मिलने गए हैं होटल में, तो माकन साहब उनसे नहीं मिले हैं, खड़गे साहब से मुलाकात? मुझे पता नहीं इस बारे में, मेरी जानकारी में नहीं है। अब मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, आगे क्या होगा? अब सबने इस्तीफा दे रखा, आगे क्या होगा? देखिए, हम मंत्रियों का, आज भी मेरे पास कई मंत्री आए, वो कई विधायक आए कि चल करके स्पीकर साहब से कहिए कि हमारा इस्तीफा मंजूर करें। मैंने कहा अभी ठहरिए ठहरिए, स्पीकर साहब को भी जो है आप सोच विचार कर लेने दीजिए। सरकार गिराना चाहते हैं कौन? सरकार हो जाए। आप वो क्या चाहते हैं? वो तो ये चाहते हैं कि ये सरकार बनी रहे। जो गिराना चाहते थे उनको पुरस्कार न मिले। लेकिन सर आप आरोप लगा, मैं बात कह चुका आपकी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे चुका हूँ। क्या कह रहे हैं? आरोप लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। सवाल आगे सर ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आप चाहते हैं कि लीडरशिप उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करे, अजय माकन पर भी कार्रवाई करे? ये लीडरशिप का काम है तय करना, ये तय करना लीडरशिप का काम है। अगर लीडरशिप मुझे बुला करके पूछेगी कि चार्ज तुमने कैसे लगाया, तो मैं सबूत दूंगा इस बात का। धारीवाल जी, कमलनाथ को मध्यस्थ बनाया गया है, कमलनाथ अब आगे बातचीत करेंगे, आप उससे वन टू वन संवाद करेंगे कमलनाथ? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप समझ ही जाओ आखिर माकन साहब को हटाने का क्या कारण रहा। क्या सीएम साहब अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? मैं नहीं कह सकता, ये फैसला उनको करना है। क्या पार्टी का आलाकमान सीएम साहब से बात हुई है? पार्टी का आलाकमान जो कहेगा, सीएम हमेशा से करते आए और करते रहेंगे। क्या लग रहा है पर्दे के पीछे अशोक गहलोत पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और अशोक गहलोत अशोक गहलोत पे किसी ने आरोप नहीं लगा, आरोप किसी ने भी आरोप नहीं लगाया, मैंने तो ऐसा सुना नहीं आरोप लगा। वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत, आप जो मीटिंग की, अशोक गहलोत को पता नहीं था आप किस मीटिंग को? उनको उनको पता नहीं था, उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं था हमारा। के बात ही नया और पुराना क्या होता है, मतलब विधायक विधायक है। धारीवाल जी, जो बातें आप लोग
ये छोड़िए आप, ये तो ये तय करना तो हमारा काम था सर, लेकिन आपकी गलती के लिए सुना है कि अशोक गहलोत ने माफी मांगी है खड़गे साहब से जाकर कि कल विधायक नहीं। आप ही कह रहे हैं, मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ ऐसी बात। खबर गलत है आप कह रहे हैं? बिल्कुल गलत। आप पहले भी संसदीय कार्य मंत्री थे, अभी भी है, उससे पहले भी रहे हैं, तो CLP की मीटिंग में नहीं जाना और पैरेलल मीटिंग बुलाना? पैरेलल मीटिंग बुलाई किसने? मेरे पास तो लगातार फोन आते रहे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। 8 बजे तक मेरे पास लगातार टेलीफोन आते रहे, क्योंकि अचानक मीटिंग बुलाई गई CLP की। परसों रात को 10 बजे डिसाइड हुआ कि CLP की मीटिंग होगी। कोई गांव था, कोई कहां था, कोई कहां था, कोई कहां था, आखिर आने में वक्त लगा उसको। जैसे जैसे वो आते गए, वैसे वैसे जो है मैं मिलता रहा उनसे, उनके विचार जानता रहा। विचार उनका ये बना कि साहब हम इस्तीफा देंगे अगर इस तरीके से जो है इस आदमी को कि जो है कि इनको इनाम दिया जा रहा हो। तो आज भी है, पहले भी थी, पहले भी हमें 102 थे, कहाँ दिक्कत है? अगला बजट अशोक गहलोत पेश करेगी? मैं ये नहीं कह सकता, जो हाईकमान का हुक्म होगा वो होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि वो हाईकमान के हुक्म को कभी नकारते नहीं है। सर, गहलोत साहब अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करेंगे या नहीं करेंगे, क्या जानकारी? ये मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मैं नहीं कह सकता, कम से कम मैं तो करने नहीं जा रहा हूँ। गहलोत साहब जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं तो नहीं जा रहा हूँ, कम से कम दूसरे का मुझे पता नहीं है। सर, मंत्री राजेंद्र बुड़ा ने विधायकों की संख्या पर भी सवाल उठाया। छोड़िए, आप उनकी बात छोड़िए। सवाल है, दिव्या मदेना ने ये सवाल उठाया कि 1998 में जब परशुराम मदेना थे, उस वक्त की सिंगल लाइन का एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम अपना डिसीजन ऊपर छोड़ दें। छोड़िए आप इन बातों को, पुरानी बातों को छोड़िए। तो क्या अगर इस तरह का क्राइसिस आगे बढ़ा तो क्या आप असेंबली बुलाकर के ट्रस्ट वोट के लिए जाएंगे? है, जिस तरह से 2020 में संकट आया था, सियासी संकट, अगर ये लंबा दौर चला राजनीतिक खटपटक का, तो क्या हाउस बुलाकर के आप ट्रस्ट वोट करेंगे, क्या करेंगे? विश्वास मत कहाँ हो कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि साहब हमारी कांग्रेस की सरकार जो है अतिमत में हार गई, तब विश्वास मत की बात आती है। अभी स्थिति कहाँ है? सरकार चलेगी सर, पूरा 5 साल चलेगी सरकार, पूरे 5 साल चलेगी। मैं नहीं कह सकता इस बात के लिए कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जिसको सोनिया गांधी चाहेंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। कई बार कह चुका मैं आपको ये बात। लेकिन आप तो चाहेंगे ना कि गहलोत साहब ही रहे? मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। हाईकमान का जो हुक्म होगा वो होगा। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, एक लाइन का जवाब है, काफी है कि जो सोनिया गांधी चाहेंगी वो होगा। सोनिया गांधी क्या चाह रही है आपको अभी तक पता नहीं है? हैं? सोनिया गांधी क्या चाह रही है अभी आपको आपको जानकारी? किसी को भी पता नहीं है, मुझे ही नहीं, किसी को भी पता नहीं है। कौन से सीएम की मांग करेंगे सर? अजय माकन जी चाहेंगे? अजय माकन जी को पता जी सोनिया गांधी क्या चाह रही है? हैं? अजय माकन जी को पता है, ये उनसे पूछिए आप। सर, आपका कोई नोटिस मिला है? मुझे तो कोई नोटिस मिला नहीं। बात की जा रही है आपकी बैठक को अनुशासनहीनता माना जा रहा है, तो संभव कार्रवाई हुआ आपको? आप अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं और गद्दारी की बात भूल रहे हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की सरकार गिराने के प्रयत्न किए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये यहाँ की जो बैठक हुई है उसको ये आरोप दे करके सब के पैरेलल बैठक क्या हुई? मिलना जुलना रहता है। विधायक आते गए, मिलते गए, टेलीफोन आता रहा उनका कि हमारे रुके 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 रुके। शामियाना तो यहाँ पर कई बार लग चुका है और लगता रहता है। कल भी एक फंक्शन था जेडीए का कल भी एक फंक्शन था, उसके लिए लगाया था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। इसका समाधान हाईकमान के पास है और किसी के पास नहीं है।
सोनिया गांधी के पास। आप सोनिया गांधी के सामने विधायक परेड कराएंगे कि गिन लीजिए? नहीं, मैंने मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। हर आदमी जानता है किसकी किसके पास क्या ताकत है। 20 आदमी पहुंचे थे कल वहां पर। एक 108 कांग्रेस के मेंबर है और 13 निर्दलीय हैं, जोड़ के देख लीजिए, उसमें 20 को घटा लो आप।